हेलो हेलो टेस्ट, हेलो 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 हेलो, दिस इज सोबड़िस्कांती। हेलो इंजीनियर्स, दिस इज प्रशांति। तो आज आपके लिए लाए हैं बहुत ही बढ़िया एक माइक्रोफोन, जो कि आपके जो साउंड है, जो आपके वॉयस है, उसको बहुत ही दूर से ये रिसीव करेगा और ये जो है बहुत ही अच्छा सा आउटपुट देता है। तो अभी आपको दिखाएंगे और ये नॉइस प्रूफ भी है। तो अभी ये जो जैक है इसको हम लगाएंगे, इसमें मैंने इनपुट कर दिया है और इसका जो आउटपुट है इसको कैमरा पे लगा के आपको सुनाएंगे इसका वॉयस कितना अच्छा है और कितना दूर से ये सुनाई देता है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये साउंड जो है बहुत ही बढ़िया साउंड दे रहा है। तो मैं दूर जाऊंगा तो भी ये साउंड क्लियरली सुनाई देगा। हेलो 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 हेलो। तो दूर से भी ये इसका साउंड जो है बहुत ही अच्छा से सुनाई देता है। तो ये माइक्रोफोन से आप आसानी से किसी भी काम कर सकते हैं, मतलब किसी भी वॉयस आप रिसीव कर सकते हैं, जो कि रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अभी चलिए ये जो माइक्रोफोन है इसको हम लोग किस प्रकार से घर पे बना सकते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय जेएलसी पीसीबी। नया पीसीबी के लिए गर्बल फाइल अपलोड कीजिए, थिकनेस, कलर, क्वांटिटी ये सब सेट करके सिर्फ $2 में ऑर्डर कीजिए कोई भी कलर पीसीबी। अच्छे क्वालिटी पीसीबी का भरोसा जेएलसी पीसीबी। और ऑर्डर देने के बाद 10 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा आपका पीसीबी। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें। तो इस सर्किट को बनाने के लिए हम लोगों को दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं, एक आईसी के जरिए और एक नॉन आईसी के जरिए। तो नॉन आईसी जब भी बनाएंगे ट्रांजिस्टर की जरूरत होगा, लेकिन अगर आईसी यूज करेंगे तो इसका नॉइज जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो इस पर मैं यूज कर रहा हूँ LM324 का एक आईसी। तो ये जो आईसी है ये है 4 सेट का आईसी, मतलब इस पर 4 सेट हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर जो होगा वो होगा आउट, तो इसमें से हम लोग आउट ले लेंगे। और एक जो 2 नंबर होगा वो होगा इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है, तो इन्वर्टिंग इनपुट। और जो 3 नंबर होगा वो होगा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, तो यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, यहाँ पे इन्वर्टिंग इनपुट है, तो इन्वर्टिंग माइनस होगा और ये पॉजिटिव। इस तरह से इस आईसी पे यहाँ पे 3 मिलके एक सेट होगा, यहाँ पे भी एक सेट होगा, यहाँ पे एक सेट होगा, यहाँ पे एक सेट होगा, तो 4 सेट हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें से। और इसका जो मीडियल वाला पिन होगा, जो यहाँ पे 1 2 3 के बाद जो 4 नंबर पिन होगा वो होगा यहाँ पे BCC। तो BCC मतलब प्लस, आप 8 वोल्ट भी इस पे यूज़ कर सकते हैं, 5 वोल्ट से लेके 8 वोल्ट यूज़ कर सकते हैं। और इस तरफ जो मीडियल का पिन होगा वो होगा ग्राउंड, तो हम लोग इस पे ग्राउंड यूज़ करेंगे, मतलब BCC माइनस BCC यूज़ करेंगे। उसके बाद ये IC काम करेगा, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं देंगे तो काम नहीं करेगा। आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव देंगे उसके बाद आप किसी भी सेट को यूज़ कर सकते हैं या फिर एक साथ 4 सेट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी चलिए इस आईसी के जरिए हम लोग इस सर्किट को बना के देखते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो इस पर मैंने क्या क्या लगाया है, एक आईसी लगाया है और एक माइक्रोफोन लगाया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोफोन होगा, और कुछ कंपोनेंट लगा के इसको मैंने बनाया है। बहुत ही इजी है। और इसका जो इनपुट होगा वो बैटरी होगा, आप इस पर 3.7 वोल्ट बैटरी आप इस पर यूज कर सकते हैं या फिर 8 वोल्ट भी इस पर यूज कर सकते हैं।
अगर अच्छा होगा अगर आप इसमें 8 वोल्ट यूज करेंगे तो इसका नॉइज बहुत ही अच्छा होगा, और इसमें से आउटपुट एक हम लोग कनेक्शन ले लेंगे जिसमें से हम लोग आउटपुट करेंगे। तो इस सर्किट को हम लोग बनाएंगे, अभी एक कवर के अंदर लगाएंगे जो कि माइक्रोफोन का कवर होगा, उसी माइक्रोफोन पे हम लोग लगाएंगे। लगाने के बाद इसको हम लोग टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए अभी इसको फिटिंग करते हैं। अभी ये कंप्लीट हो गया है, आप इस पर देख सकते हैं यहाँ पे जो इनपुट आया है इसको हमने इस स्पीकर पे हमने लगा दिया जो स्पीकर से आउटपुट होगा। तो इस स्पीकर पे एक एम्पलीफायर है जो कि साउंड को बढ़ा के सुनाई देगा, और अभी हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। तो इसको हम लोग ऑन करेंगे, नीचे की तरफ ऑन का बटन है तो इसको ऑन करते हैं। तो ये ऑन हो गया है, आप देख सकते हैं इसमें से साउंड आ रहा है। तो आप इसको दूर से भी साउंड कर सकते हैं, जैसे मैं इसको दूर से करूंगा, हेलो 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 हेलो, देखा आपने, मैं दूर से वॉल्यूम साउंड को हमने जो कि डाउन करके बोला तो ये फिर भी ये रिसीव कर रहा है। तो ये बहुत ही बेहतरीन एक गैजेट है, और हम लोग इसको इको भी कर सकते हैं, लेकिन इको करने के लिए इसके अंदर एक अलग से सर्किट फिट करना होगा। अगर आप कमेंट्स पे लिखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से इस माइक्रोफोन पे हम लोग इको साउंड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग अगर कमेंट्स पे ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं इसको बना के आपको दिखाऊंगा इको साउंड वाला। तो अभी इसको टेस्ट करके हम लोग देख लिया, बहुत ही अच्छा साउंड इसमें से आ रहा है। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से हम लोग एक अच्छा सा माइक्रोफोन घर पे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही दूर से, ये जो कि वॉइस को रिसीव करेगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।